जो हमारे लोग जितने बंद हैं उन लोगों को वहाँ से छोड़ा जाए पहले, उसको रोक के तुरंत पुलिस, और नहीं तो कल से अपने लोग उस पे हम रोकेंगे फिर उसको। भाई वो तो विधायक ही कर सकता है इतना काम, हमें तो जानकारी है ना। और पहले जितने लोग हमारे गिरफ्तार करेंगे उनको छोड़ दो, बातचीत जब होगी। और ये पूरे प्रदेश में कहीं पे भी हमारी मीटिंग होगी, बराए मेहरबानी करके पॉलिटिकल आदमी कोई इस मीटिंग में ना जाए, प्रशासन हमारी मदद करेगा पुलिस, और नहीं पुलिस मदद करेगी तो भाई अपने आप सुरक्षा करेंगे हम अपने लोगों का। रोटी बाजार की वस्तु ना बने, जो व्यापारी है उसकी तिजोरी में बंद ना हो, किसान की पगड़ी का सवाल है। और जिसको किसानों से नफरत है वो भी अन्न खाना छोड़ दे, कमेटी है ना देश में तो कमेटी बातचीत करे, प्रधानमंत्री को नहीं आना चाहिए अभी। अब पता नहीं मेरे नॉलेज में तो है नहीं, कैसे कुछ ना कुछ जाती होगी जो लोग आ रहे हैं। प्रधानमंत्री की सर्वदलीय बैठक होती है और वो कहते हैं कि मैं किसानों से एक फ़ोन कॉल पर दूरी पर हूँ। मेरे साथ राकेश टिकैत साहब हैं, उनसे बेहतर कौन बताएगा। कई तरह की खबरें चल रही है, पहले प्रधानमंत्री की प्रतिक्रिया एक फ़ोन कॉल पर दूर है, उनके फ़ोन का इंतज़ार है या आप लोग फ़ोन करेंगे? नहीं, बात करेंगे हम अपने लोग हैं, पहले भी हमारे जो लोग बंद हैं जेलों में वे लोग छूटते हैं, दबाव में बात नहीं करेगा किसान। जो हमारे लोग जितने बंद हैं उन लोगों को वहां से छोड़ा जाए पहले। क्या जानकारी है सर, कितने लोगों को जेल में बंद? 400 लोग के आसपास है जो उस दिन पकड़ा है, 26 जनवरी को जिनको पकड़ा है 400 लोग है। सिंघू बॉर्डर पर जो हुआ, यहाँ तो आप गवाह ही हैं, यहाँ तो हम सब थे, सिंघू बॉर्डर पर जो हुआ उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? उसको रोक के तुरंत पुलिस, और नहीं तो कल से अपने लोग उस पे हम रोकेंगे फिर उसको। गाजीपुर में आज भी बैठक हुई है, किसानों की बड़ी बैठक हुई है। आपको बता दें कि ब्रज में ये जो पूरा इलाका है मथुरा में, तो लेकिन यहाँ आना संभव नहीं है, गाजीपुर के सारे रूट्स को जाम कर दिया गया, आम लोगों के लिए यहाँ तक कि पत्रकारों के लिए भी। वो तो प्रशासन का काम है, क्या वो कर रहा है हमें नॉलेज नहीं। वो जो बीजेपी के विधायक थे लोनी के, उनकी एक चिट्ठी भी वायरल हो गई है जिसमें उन्होंने कहा था कि या तो सरकार इनको गोली मारे या हमें फ्री हैंड करें, हम इनसे निपटेंगे। भाई वो तो विधायक ही कर सकता है इतना काम, हमें तो जानकारी है नहीं, हमें नहीं जानकारी उसकी। आज कोई बातचीत का ऑफर आया आप लोग? नहीं, हमें नहीं आया। अब आप एकदम सेंटर बन गए हैं, पूरे किसान आंदोलन को सेंट्रलाइज किया जा रहा है कि राकेश टिकैत से ही बात हो सकती है, और जो जत्थेदार थे पहले 40 लोग की टीम थी, क्या इस पर कोई सहमति हो सकती है कि राकेश टिकैत ही से बात हो सकती है? नहीं, नहीं, पूरी टीम है हमारी, कोऑर्डिनेशन कमेटी है वो हैं, और पहले जितने लोग हमारे गिरफ्तार करेंगे उनको छोड़ दो, बातचीत जब होगी। अभी कोई बातचीत हुई है टीम की तरफ से, कोई आप लोग की बैठक हुई है कल? आज तो चल रही है, हम आप गए नहीं थे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस? नहीं, मैं नहीं गया, वो सब लोग हैं हमारी टीम में, जो भी वो फैसला करेंगे हम उनके साथ में। ताज़ा अपडेट क्या है, आप लोग, आप जिन्हें जो अपील की थी, लोग जो आ रहे हैं उनको वो आते रहेंगे यहाँ, चलता रहेगा धरना, चलता रहेगा धरना, चलता रहेगा, आते रहेंगे, जाते रहेंगे, खेत में काम करते रहेंगे। आपने कहा था कि पॉलिटिकल पार्टियों पर आपकी नज़र रहेगी, कौन किसानों के पक्ष में। अब जब राष्ट्रपति के अभिभाषण का सबने विरोध किया, तो क्या अब तो सारा विपक्ष एक सुर में कह रहा है, तो क्या पॉलिटिकल लीडर्स, पॉलिटिकल नेता आना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपको सॉलिडारिटी दिखाना चाहते हैं, इस पर कोई मिले पॉलिटिकल लोग मंच से, हम उनको अपना माइक नहीं देंगे। और ये पूरे प्रदेश में कहीं पर भी हमारी मीटिंग होगी, बराए मेहरबानी करके पॉलिटिकल आदमी कोई इस मीटिंग में ना जाए, उसको माइक पे जाना, मंच पे जाना अलाउ नहीं है, कल से पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। लेकिन आज तो, आज और कल में तो ढेरों लोग आए हैं आपके सॉलिडारिटी। हमने मंच उनको किसी को नहीं दिया, नीचे से उन्होंने माइक दिया, कल से माइक भी बंद होगा। तो ये इसकी क्या वजह देख रहे हैं, क्योंकि पॉलिटिकली तो इसको हैंडल करना पड़ेगा सर। नहीं नहीं, हम नहीं हैंडल करेंगे, नॉन पॉलिटिकल रहेगा ये, और पूर्ण रूप से कल से पॉलिटिकल आदमी के लिए जो नीचे भी माइक देते थे वो भी बंद होगा। पॉलिटिकल आदमी के लिए नहीं रहेगा ना माइक, नहीं उसको आना है, वो घूमे जनता में घूमे, ये टीवी पे अपना खबर दे, मीडिया से बात करे, चला जाए। ये आज प्रधानमंत्री का जो और डिटेल था, मेरे एक दोस्त है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्होंने वो जारी नहीं कर सकते थे, लेकिन उन्होंने मुझे देखा प्रधानमंत्री का कि हमने तो उनको ऑफर कर दिया, वो ऑफर अभी भी उपलब्ध है। नहीं, उस पर नहीं बात होगी, नए सिरे से बातचीत। लेकिन जिस तरह से
बीजेपी के समर्थकों का जिस तरह से मामला सामने आया, चाहे वो टिकरी हो, सिंघू हो, गाजीपुर में जो हुआ, इसको कैसे हैंडल करेंगे, क्योंकि एक प्रेशर बनाया जा रहा है। हम अपने लोग लगाएंगे, हैंडल करेंगे, या तो प्रशासन हमारी मदद करेगा, पुलिस, और नहीं पुलिस मदद करेगी तो भाई अपने आप सुरक्षा करेंगे हम अपने लोगों का। आप लोगों को अभी भी किसी बात का डर है, किसी बात का खतरा है, जो लोकल गुंस हैं या लोकल के नाम पर जो पूरा मैसिव एक प्रोटेस्ट चलाया, वो एक माहौल ख़राब करना चाहते हैं, तो उनसे मेहरबानी है कि वे जाएं। और जिसको किसानों से नफरत है वो भी अन्न खाना छोड़ दें, ये रोटी बाजार की वस्तु ना बने। गरीब की रोटी अमीरों के जो व्यापारी हैं उसकी तिजोरी में बंद ना हो, किसान की पगड़ी का सवाल है। यह आंदोलन जब तक इसका किसान का सम्मान नहीं मिलेगा और गरीब की रोटी तिजोरी से बाहर नहीं आएगी, यह आंदोलन जारी रहेगा। पार्लियामेंट सेशन आने वाला है, लोग कह रहे हैं बजट सत्र का लोग बहिष्कार करेंगे, क्या कुछ उम्मीद बन रही है? आप लोग उस पर नज़र बनाए हुए होंगे कि क्या हो रहा है संसद में? नहीं, हम बना रहे, कुछ हमें जानकारी नहीं। नहीं, संसद का सेशन होने वाला है ना मंडे से? होगा, हम तो आंदोलन कर रहे हैं, हम तो आंदोलन जारी रहेगी। जो अफवाह चल रही है कि आंदोलन शायद 2-3 दिन में खत्म हो जाए, कुछ प्रेशर बना? नहीं, आंदोलन खत्म नहीं होगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। आपने कल ट्वीट किया है एक दिल्ली पुलिस को लेकर, जिस तरह से लाठी चल रहे थे और उसमें एक व्यक्ति जिस तरह से एक बाहरी दिख रहा है, सिविल में दिख रहा है, तो इसको कैसे देख रहे हैं? पता नहीं, मैं तो नहीं करा क्या। आपके नाम से लाखों ट्विटर अकाउंट चल रहे हैं, अब बताओ भाई मैं क्या करूँ? मैं तो जो कुछ कहना मैं तो प्रेस में कह दूँ, आप उसी में से काट छाट के बात और कहीं करते, सारी प्रेस ये लग रही। आपकी कोई ट्वीट, आपका पर्सनल ट्विटर अकाउंट है कोई कि नहीं है जिस पर आप ट्वीट कर रहे हैं? लग तो रहा दिखे, एक एक होगा और तो कोई है नहीं, लेकिन चल रहे 20, बतावे कि 20 चल रहे? नहीं, लाखों है, लाखों ट्विटर अकाउंट चल रहे हैं। अब पता नहीं, सीधे प्रधानमंत्री आपको ऑफर करते हैं बातचीत के लिए तो आप जाएंगे? नहीं नहीं, प्रधानमंत्री क्यों करे, जो कमेटी है वो कहाँ गई? प्रधानमंत्री को तो आना ही नहीं चाहिए बीच में, कमेटी है ना देश में, तो कमेटी बातचीत करे, प्रधानमंत्री को नहीं आना चाहिए अभी। लेकिन इस पूरी सरकार में तो उनके हाथ में ही बागडोर है, वो विदेश मंत्री भी वही हैं, वाणिज्य मंत्री भी वही हैं, फाइनेंस मिनिस्टर भी वही हैं। नहीं नहीं, जो कमेटी है कमेटी बात। 26 जनवरी मामले पर कुछ और जिस तरह से आप लोग को किया गया, मलिन किया गया, आप लोग पर आरोप लगे, उसको लेकर अभी तो कोई इन्वेस्टिगेशन, वो आरोपी गिरफ्तार भी नहीं हुआ, उसको लेकर क्या कहेंगे? वो तो सरकार का काम है, ये देश ने देखा, सब देश जानता है, सब जानते हैं लोग। लेकिन आपके लोग की तो गिरफ्तारी हो रही है, 200 लोग करीब उसी दिन गिरफ्तार हो गए। 400 लोग गिरफ्तार हैं अब तक, 400 कहाँ करा है? 400। क्या ये दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है या यूपी हरियाणा दोनों ने मिला जुला? दिल्ली में भी है, हरियाणा में भी है कुछ। आखिरी सवाल सर, क्या आपके जो समर्थक हैं, चूंकि इंटरनेट बंद कर दिया गया है हरियाणा में भी, आपके गाजीपुर बॉर्डर पर भी, सिंघू बॉर्डर पर भी, तो इसको लेकर भी कुछ लग रहा है कोई कॉन्स्पिरेसी हो रही है या सिर्फ आप लोगों को मीडिया रीच कम किया जा रहा है, सोशल मीडिया रीच? अब पता नहीं, ये तो जो देख रहे होंगे उसको पता होगा, मेरे नॉलेज में नहीं कुछ। लेकिन इंटरनेट बंद कर दिया गया है, मैं देखता ही नहीं, तो कैसे आपके मैसेज कैसे जाएंगे आपके समर्थ? टीवी अखबार तो चल रहा है, उसमें आपके लिए कोई स्पेस नहीं है, आपको फिर से उसी तरह से काउंटर किया जा रहा है टीवी अखबार, लेकिन आप लोग के सोशल मीडिया पर बात जा रही थी, इंटरनेट से आप लोग जुड़ रहे थे, इंटरनेट सरकार ने बंद कर दिया है, तो जो आपके समर्थक हैं उन तक बात कैसे पहुंचेगी? अब पता नहीं, मेरे नॉलेज में तो है नहीं, कैसे कुछ ना कुछ जाती होगी जो लोग आ रहे हैं। फ़ोन काम कर रहा है आप लोग का? मैं तो फ़ोन भी नहीं चलाता, चल रहे होंगे फ़ोन तो, मैं तो चलाता नहीं कुछ। तो राकेश टिकैत साहब हैं और इंटरनेट काट दिया गया है, सरकारी ऑफिशियल अनाउंसमेंट है, हरियाणा में, यूपी में और गाजीपुर बॉर्डर पर, सिंघू बॉर्डर पर। किसान आंदोलन का जो सबसे बड़ा कम्युनिकेशन सेंटर था वो सोशल मीडिया था, वो कट गया है। राकेश टिकैत साहब अपने वादे पर टिके हुए हैं, लेकिन उनका अभी अब नई मांग है उनकी कि जो 400 लोग गिरफ्तार हुए हैं उनको सबसे पहले रिहा किया जाए, उसके बाद ही हम बातचीत के अगले दौर में जाएंगे। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।